जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में देखे तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। ट्रांसडक्शन होता है कि जैसे कोई एक जैसे कि हमारा जो जो हमारा जेन जीन जेन जेनेटिक मटेरियल है ना, वो एक सेल से हमें दूसरे सेल में ट्रांसफर करना है, तो वो हम किससे कर सकते हैं। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में एक टाइप का ना वायरस, वो ट्रांसडक्शन में एक टाइप का वायरस होता है जिसे हम फेज कहते हैं, फेज होते हैं ना। तो वो क्या करता है कि ना जो हमारा जेनेटिक मटेरियल को ना एक बैक्टीरिया से उठा के ना दूसरे बैक्टीरिया में डालता है, वो उसका ये काम होता है। और अब जो ट्रांसडक्शन आया था ना, ट्रांसडक्शन में भी दो टाइप्स के आते हैं, एक होता है हमारा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा अभी मैं बताऊंगा बाद में जब वीडियो बनाऊंगा। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में जाने तो क्या होता है कि इसमें जो हमारा बैक्टीरियल जीनोम होता है ना, वो ट्रांसफर होता है सेम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो कुछ बना के देखे तो ये मान लेते हैं जैसे हमारा सेल है, सेल है, तो क्या हुआ हमारा जो ये वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज या फाज कुछ भी कह लीजिए, तो ये हमारा वायरस आया, इसके अंदर क्या होता है हमारा फेज डीएनए है, क्योंकि वायरस का भी डीएनए होता है, फेज डीएनए है। और ये क्या है हमारा बैक्टीरिया का क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, ये जो इसका फेज डीएनए होता है ना, ये फेज डीएनए यहाँ से घेर देगा इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारा क्या होगा, बैक्टीरिया में जाने देगा ये। यहाँ पे एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वो उसे एंटर करवाता है। तो जो हमारा फेज डीएनए वो अंदर आ गया है, फेज डीएनए। तो जो ये फेज डीएनए होता है ना, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, अब क्या होगा कि एक जो होगा ना हमारा फेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक कर देगा हमारे किसको, जो हमारा यहाँ का डीएनए है। जैसे बना के देखे तो ये देखिए, ये हम क्या मान लेते हैं, ये हम फेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फेज डीएनए मान लेते हैं, फेज डीएनए। और यहाँ पे ये मान लेते हैं हम क्या, बैक्टीरियल डीएनए, जो कि हमारा क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल डीएनए। तो अलग अलग हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय सा कर देते हैं, फिर क्या होगा, असेंबली एंड जॉइनिंग, जॉइनिंग। फिर क्या होगा कि जो हमारा क्या, फिर से ये जो हमारे डीएनए हो गए ना, इनसे वो बनने लग, इससे हमारा फिर से ये वायरस बनने लग जाएगी, जिनमें जिसमें बैक्टीरियल भी डीएनए होगा और फेज डी फेज का भी डीएनए होगा। तो ये जैसे मान लेते हैं ये हमारा फेज डीएनए है और ये हल्का वाला है जो ये होगा हमारा बैक्टीरियल डीएनए। तो जिस बैक्टीरियल डीएनए का है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम, डिफेक्टिव फेज, तो इसे हम नाम देते हैं डिफेक्टिव फेज। तो अब क्या करेगा कि ये क्या होगा, रप्चर कर देगा हमारे सेल को, और उसमें से बाहर आ जाएंगे हमारे वायरस और बाकी सेल्स में जाके इन्फेक्ट करेंगे, बाकी सेल्स में जाके ये हमारा इन्फेक्ट करेंगे। तो अब ये जैसे जैसे मान लेते हैं ये डिफेक्टिव फेज है, तो क्या होगा कि जो, तो ये बैक्टीरियल, ये दूसरा कोई और बैक्टीरिया है, उसका ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इसे हम मान लेते हैं ए, ए से मान लेते हैं स्मॉल ए। और ये जो हमारा वायरस आया, इसमें क्या था, इसे ऐसे कुछ साइंस से बना लेते हैं, इसे कहते हैं हम, इसे ए मान लेते हैं इसके डीएनए को। तो अब क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा अपना डीएनए, ये रिलीज कर देगा, और क्या बनेगा कि ये
इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा ये हमारा फेस डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, तो ये कुछ क्रॉस मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, और ये कुछ ऐसे करके बना लिया, इंटीग्रेशन हो गया। तो इसी इंटीग्रेशन को, तो ये इंटीग्रेशन हुआ, तो इसे ही हम कहते हैं बेसिक, ये है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन का मेथड।